बॉलीवुड के क्यूट और हैंसम हंक में शुमार अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 2 की सक्सेस का जश्न मना रहे हैं। फैंस को कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 काफी पसंद आई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया है। यह 2022 की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक फिल्म है और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 180 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजनेस कर चुकी है। फिल्म में कार्तिक के अलावा तब्बू और कियारा आडवाणी भी हैं। इस सक्सेस को देखते हुए टी सीरीज के चेयरपर्सन भूषण कुमार ने कार्तिक को भारत की पहली मैक्रालेन जीटी कार गिफ्ट की है। इस कार की कीमत 3.73 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हाल ही में कार्तिक अपनी कार में सवार होकर टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे। कार्तिक की यह चमचमाती क्लासिक मैक्लारेन ऑरेंज कार काफी शानदार लग रही थी। उनके साथ भूषण कुमार भी यहां नजर आए। कार्तिक का वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय अक्सर अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। मौनी इन दिनों रियलिटी शो डीआईडी लिटिल मास्टर्स सीजन 5 को जज करती नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्हें शो के सेट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान एक्ट्रेस ब्लैक कलर का शिमरी लहंगा चोली पहने काफी बोल्ड लग रही थी। मौनी रॉय ने अपने लुक को पूरा करने के लिए मरून और सिल्वर कॉम्बिनेशन के इयररिंग पहने हुए हैं। इसके साथ ही लाइट मेकअप के साथ ओपन हेयर में वह दिखी। मौनी का यह लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस को उनका यह सेक्सी लुक काफी पसंद आ रहा है। काम की बात करें तो मौनी जल्द ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी। इस दौरान जब मौनी से ब्रह्मास्त्र में उनके लुक को लेकर बात की गई तो उनका कहना था, ब्रह्मास्त्र का लुक एकदम भारी। यस, बहुत अच्छा लगा। यस, डेंजर टीजर तो बहुत अच्छा। चलते रहिए। इसके बाद जब मौनी से ब्रह्मास्त्र के उनके को स्टार रणबीर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा के ट्रेलर के बारे में बात की गई तो उनका कहना था, अभी मैं देखने वाली हूँ, देख लो, बहुत अच्छा। पीछे तो आज तब देखेंगे ना। मौनी सूरज नाबियार संग शादी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही थी। मौनी के साथ डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 5 को लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा भी जज के पैनल में शामिल। रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर अभिनीत फिल्म शमशेरा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। अब उसी फिल्म शमशेरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लंबे वक्त से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। सर, एक्चुअली इसमें मैं फादर और सन का किरदार निभा रहा हूँ। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली चाहिए। आई थिंक पहली बार आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है जी। तो कैसे रहा, कैसे मैनेज किया और क्या? एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी करण से फर्स्ट टाइम पे, आई डोंट थिंक करण और आदि सर के माइंड में था कि एक ही एक्टर दोनों पार्ट्स प्ले करेगा, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड के एन एक्टर लाइक मी कैन प्ले यू नो द फादर्स रोल एज वेल एज द सन्स रोल। तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए, हमने ऑडिशंस किए। आई थिंक करण एंड मी एंड आदि सर हैड टू बी कन्विंस्ड आवरसेल्व्स कि हाँ ये हो सकता है। बट स्क्रिप्ट सुनने में ही इतनी लालच आई थी एज एन एक्टर, क्योंकि वो इतना ही कमाल का कैरेक्टर था। यू नो बल्ली का कैरेक्टर तो है, वो मेन हीरो है फिल्म का, वो जो फादर का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही कमाल लगा एंड आई वॉज रियली क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट करण अलाउड मी टू प्ले दिस कैरेक्टर। शमशेरा के ट्रेलर लॉन्च में रणबीर कपूर ने अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ अपनी शादी के बारे में बात की। अभिनेता ने कहा कि यह मेरे लिए एक बड़ा साल रहा है, इस साल मेरी शादी हुई और यह मेरे जीवन की एक खूबसूरत चीज है। मेरी शादी हुई है इस साल, वो बहुत ही एक खूबसूरत चीज रही है मेरे लाइफ में। मैं ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इज दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई, लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब, कीमा पाओ, हाका नूडल होना चाहिए, बट बॉस जिंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं है। एंड मैंने लाइफ में जो आलिया है मेरी लाइफ में, वो दाल चावल में तड़का है, अचार है, कांदा है, प्याज है, सब कुछ है।
So I couldn't have asked for a better partner in my life. ये एक पीरियड ड्रामा एक्शन फिल्म होगी। फिल्म में रणबीर कपूर का डबल रोल आपको देखने को मिलेगा। इस फिल्म के लिए वाणी कपूर ने कथक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। करण जौहर द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है और यह 22 जुलाई को हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज होगी। पुष्पा फिल्म इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, साथ ही फिल्म के सितारे भी काफी चमक रहे हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने एक मीडिया रिपोर्ट का मजाक उड़ाया, जिसमें दावा किया गया है कि अभिनेत्री निर्माताओं से अपने पालतू कुत्ते के लिए फ्लाइट टिकट की मांग कर रही हैं। रश्मिका डिमांड्स फ्लाइट टिकट फॉर हर डॉग शीर्षक के साथ लेखक का हवाला देते हुए अभिनेत्री ने रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग स्माइल को कई बार ट्वीट किया और कहा, अरे चलो अब मतलबी बनो, तुम भले ही तुम चाहो आभा मेरे साथ यात्रा करने के लिए, वह मेरे साथ घूमना नहीं चाहती, वह हैदराबाद में बहुत खुश है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, क्षमा करें लेकिन इसने मेरा दिन बना दिया, हंसी रोक नहीं पाई। रश्मिका अपनी आगामी तमिल, तेलुगु, द्विभाषी फिल्म वरीसु में अभिनेता विजय के साथ नजर आएंगी, जिसका निर्देशन वामसी पेडीपल्ली कर रहे हैं। साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु की फैन की लिस्ट काफी लंबी है। फैंस सामंथा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं। अब खबर आ रही है कि सामंथा नंबर वन रिसर्च एक्टर बन गई हैं और मैक्स द्वारा जारी की गई इस लिस्ट के मुताबिक सामंथा ने आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसी बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी पछाड़ दिया है। आलिया दूसरे स्थान पर, दीपिका पांचवें स्थान पर और कैटरीना सातवें स्थान पर काबिज हैं। दक्षिण उद्योग के अन्य सितारों में नयनतारा तीसरे स्थान पर, काजल अग्रवाल पांचवें स्थान पर, कीर्ति सुरेश छठे स्थान पर, रश्मिका, पूजा हेगड़े और अनुष्का शेट्टी क्रमशः 8, 9 और 10 स्थान पर हैं। उनकी विविध भूमिकाओं और अभिनय की चकाचौंध के लिए धन्यवाद। एक अभिनेता के रूप में सामंथा प्रभु की प्रतिमा सर्वविदित है। वह भारत की सबसे लोकप्रिय महिला स्टार के रूप में उभरी हैं। अप्रैल की शुरुआत में ओमेक्स द्वारा भारत में की गई एक हालिया शोध रिपोर्ट के अनुसार सामंथा प्रभु ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें फिल्म जगत के साथ साथ पूरे भारत के अन्य बड़े नाम शामिल हैं। इस शोध का परिणाम महामारी के बाद दर्शकों की प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत देता है। सामंथा रूथ प्रभु आज भारत की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने आकर्षण, विशिष्टता और प्रतिभा से पूरे दर्शकों को आकर्षित किया है। उनके हालिया प्रदर्शन में से दो, द फैमिली मैन 2 और प्रतिपक्षी राजी और पुष्पा उ अंतवा का कामुक गीत शहर की चर्चा में है। बॉलीवुड भाईजान और सुपरस्टार सलमान खान के साथ बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां काम करने के लिए सालों इंतजार करती हैं। उनका दबंग अंदाज उन्हें सारे अभिनेताओं से अलग बनाता है, पर बॉलीवुड की क्यूट और अपने अतरंगी अंदाज के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री सारा अली खान का एक ऐसा वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां वह सलमान खान को अंकल कह रही हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सारा ने हाल ही में हुए आईफा अवार्ड शो के दौरान सलमान को अंकल कहा। सलमान ने इस पर किस तरह रिएक्ट किया, आइए देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं कोई ब्रांड लॉन्च करने जा रही हूँ। ब्रांड लॉन्च करने जा रही हूँ सलमान अंकल के साथ। सलमान सारा का यह क्यूट सा वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि सलमान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कभी कभी दिवाली की शूटिंग में व्यस्त हैं। वहीं सारा को भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार है।
अभिनेता विद्युत जामवाल और शिवालिका ओब्रॉय स्टारर खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा 8 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। एक्शन ड्रामा विद्युत और शिवालिका द्वारा निबंधित समीर और नरगिस की कहानी को दर्शाता है, जिन्हें परिस्थितियों में समाज द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते दिखाया जाएगा। विद्युत और शिवालिका ने फिल्म की शूटिंग का अनुभव साझा करते हुए कहा, जर्नी अमेजिंग थी। पहला हिस्सा OTT में रिलीज हुआ था और लोगों को पसंद आई, और फिर उन्होंने बोला कि इस तरह की फिल्म तो बड़े पर्दे में देखनी चाहिए। एंड अब हमारे पास मौका आया, खुदा हाफिज़ 2 अग्नि परीक्षा बड़े पर्दे पे लेके आ रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि लोग मज़े लें और बड़े पर्दे पे ही आएंगी। और इंटेंस है, जो प्यार दिया है उससे कई ज़्यादा हमें वापस देना है उन्हें। खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 OTT पे इतना अच्छा किया है, लेकिन हमें उनको वही एक्शन, वही ड्रामा, वही प्यार बड़े पर्दे पर दिखाना है। यह पूछे जाने पर कि फिल्म का दूसरा भाग पहले भाग से कितना अलग होने वाला है, दोनों ने कहा, जो सीक्वल्स होते हैं, एज एन ऑडियंस जब मैं फिल्में देखता हूं तो मुझे मन करता है कि या तो स्टोरी जुड़ी हुई हो या फिर बिल्कुल अलग हो। जब मैं कमांडो करता हूं तो कैरेक्टर सेम होता है मगर अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग जगहों पर होता है, कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। बट मेरी तमन्ना थी कि इस तरह की फिल्म की जाए जहाँ पे कि एक भाग हो, फिर दूसरे भाग में क्या हो रहा है, आपकी शादी तो हो गई, फिर बच्चे हुए तो लाइफ कैसी थी, फिर अब जब दादा बने तो कैसी थी, उस तरह की सीक्वल्स में काम करने की तमन्ना थी और खुदा हाफिज़ वही है। मगर ज़रूरी नहीं है कि आपने पहला भाग देखा हो, देखेंगे तब भी मज़े आएंगे, नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है खुदा हाफिज़ 1 देखने के बाद लोगों को की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई है। उनको जानना है कि नरगिस और समीर के वापस आने के बाद क्या होता है। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि दो जन जब इतने ट्रॉमा से गुजर के वापस आते हैं तब वो सेम नहीं रहते, वो इंसान बहुत बदले होते हैं एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो वो बदलाव उनकी ज़िंदगी में अग्नि परीक्षा कैसे वो लोग पार कर पाते हैं उसकी कहानी है, एंड लोग एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टेड है देखने के लिए। फिल्म फारूक करीब द्वारा लिखित और निर्देशित है, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक द्वारा निर्मित, संजीव जोशी आदित्य चौकसे और हसनैन हुसैनी द्वारा निर्मित, प्रीतम द्वारा संगीत के साथ इरशाद कामिल द्वारा गीत, खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा एक पैरोनिमा स्टूडियो प्रोडक्शन है। I like it. Never miss an update.